हे गाइस, बहुत ही जबरदस्त और भव्य प्रोग्राम हुआ है, मजा आ गया आज ये प्रोग्राम करके। और इस तरह का अगर प्रोग्राम हमेशा होता रहा ना, तब तो धनबाद में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। आयुष फाउंडेशन धनबाद के बैनर तले अर्पिता मैम सभी बच्चों को टॉपिक देंगी ड्राइंग कंपटीशन के लिए। टॉपिक आप लोग का रहेगा मेला, इंडियन फेस्टिवल, कोविड सेफ्टी मेजर्स, और कोई बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश बना सकते हैं तो बनाइए। सभी को पेपर भी मिल चुका है और सभी नाम भी लिख रहे हैं। नाम के साथ साथ में इनको टॉपिक भी बता दिया गया और मैं भी थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पर जाकर। और सभी बच्चे यहाँ पर अपना अपना नाम लिखने के साथ साथ में टॉपिक को ध्यान में रखकर काम आगे कर रहे हैं। हर्षवर्धन सिंह, सृजन एकेडमी की ओर से मेडल्स और शील्ड यहाँ रखे गए हैं। और ये सब जितने भी मेडल्स और शील्ड हैं, जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को मेडल्स दिए जाएंगे और चॉकलेट्स भी हैं। मेडल्स आपने देखा और इस साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल के टीचर्स मदद कर रहे हैं सर्टिफिकेट लिखने में जितने भी बच्चे हैं। यहाँ पर होली मदर्स एकेडमी की प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुजाता रंजन जी ने यहाँ पर सभी बच्चों के पेंटिंग्स को बारीकी से देखा, घूम घूम कर देखा और साथ ही साथ उनमें छिपे हुए टैलेंट को भी पहचाना, जिससे कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने अपने अनुभवों को रखते हुए बच्चों के लिए और भी ज़्यादा प्रोग्राम आने वाले समय में करने की इच्छा जताई। ड्राइंग का कंपटीशन अब अंतिम चरण में आ चुका है और यहाँ पर जितने भी पेपर हैं सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती सुजाता रंजन जी, जो कि होली मदर्स एकेडमी की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सभी बच्चों के ड्राइंग्स को बारीकियों से चेक करके उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन किया है। आज 20 दिसंबर 2021 को हमने आयुष फाउंडेशन की तरफ से ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है। ये ड्राइंग कंपटीशन हमारे सरायढेला स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोलवासरी डिवीजन में आता है। यहाँ पे लगभग 60 से भी ज़्यादा बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और हम सभी लोग अभी बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो चीफ गेस्ट है, हमारी सुजाता मैम, होली मदर स्कूल की प्रिंसिपल है, मैं सुजाता मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आए और अर्पिता मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम को गिफ्ट से नवाजें। साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं निकिशा मैम, जो कि सृजन एकेडमी से, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और मैम को शॉल से सम्मानित करें। निकिशा मैम, प्रोग्राम की अगली कड़ी में हम लोग चाहेंगे कि विद्यालय से पूजा प्रियदर्शनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विद्यालय की तरफ से, आयुष फाउंडेशन की तरफ से, एक टोकन ऑफ लव और साधना मैम और अर्पिता मैम उन्हें देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से, प्रिंसिपल सुजाता मैम से, कि वो दो शब्द रखें और उसके बाद बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे बढ़े। सुजाता मैम प्लीज। आयुष फाउंडेशन का ये वंडरफुल एफर्ट सच में सराहनीय है और इसमें इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा ड्राइंग सभी का अच्छा लगा और इनको प्रोत्साहन के लिए ये प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग अगर करवाते हैं और आयुष फाउंडेशन अगर इसमें हमारा साथ देता है तो अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो साथ हमारे दिए भी हैं, टीचर्स को थैंक यू वेरी मच, साथ में जो सृजन एकेडमी, आपको भी थैंक्स अ लॉट। आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ आयुष फाउंडेशन एंड अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आयुष फाउंडेशन ऑलवेज डज एंड ऑलवेज डज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, फॉर द गुड ऑफ द चिल्ड्रन। और इनको कोई कुछ बच्चों का ड्राइंग देखते देखते जब हम लोग पूछे उन लोगों से कि क्या आप सीखते हैं, तो वो बोले कि नहीं हम सीखते नहीं हैं, लेकिन नेचुरली जो उनमें जो इनबिल्ट टैलेंट है ये सच में काबिले तारीफ, बहुत अच्छा लगा। और आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फाउंडेशन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द चीफ गेस्ट हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नहीं 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 नहीं।
मंडल कुमार। इधर इधर बाबू इधर। आप सभी लोगों ने ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया है, बट इसमें से कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाया है, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों का सम्मानित करने का। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस दिए जाएंगे, उसके पहले कुछ बच्चों को, तीन बच्चों को हम लोग कॉन्सोलेशन प्राइज देंगे। ठीक है, कॉन्सोलेशन प्राइज देने के लिए मैं गणेश सर को बुलाऊंगा कि सर आके सर्टिफिकेट प्रदान करें बच्चों को। तनु कुमारी आ गया ये बेटा, और जोरदार तालियां बजाइए आप लोग उनके लिए। ताली बजाइए बेटा, ताली में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। राधिका कुमारी, आरती कुमारी, इस ड्राइंग में जो सबसे अच्छे तीन लोग हैं उन लोगों को अब हम प्राइज देंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग थर्ड प्राइज के लिए अनाउंस करेंगे। थर्ड प्राइज है सिया कुमारी, जोरदार तालियां बजाइए बच्चे। सिया कुमारी, बहुत ही अच्छा ड्रॉइंग बनाया आपने, गणेश सर उनको सर्टिफिकेट देंगे। सेकंड प्राइज देने के लिए मैं डॉक्टर विजय को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आए। सर विजय सर आगे आइए। आप लोगों के बीच में जो ड्राइंग जिसने भी आप सबने बनाया, उसमें से जो सेकंड है वो है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह आपने सेकंड है, आप सेकंड आए हैं। और विनर को सर्टिफिकेट प्रिंसिपल मैम प्रदान करेंगी। जो विनर है उसका नाम है ध्रुव कुमार, जोरदार तालियां बजाइए। Thank you very much for this wonderful program, very nice program. I really enjoyed, and the children are so talented. It was very nice. We hope the next program that we are planning will be even better success than this. Thank you, Dee, for coming. मैं अब प्रोग्राम को रैप अप करने की कड़ी में संध्या रानी मैम को इनवाइट करूंगा कि वो सामने आए और दो शब्द रखें। धन्यवाद सर मुझे अवसर देने के लिए। सुप्रभात बच्चों, आपको आज का दिन बहुत ही खास है। ये हमारा सौभाग्य है कि आयुष फाउंडेशन की तरफ से आपको चित्रांगन कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला है। आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहली सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो भी अवसर, जब भी जो अवसर मिलता है उसका आप पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि आपके पास अवसर, ये साधन की कमी होती है, लेकिन उस जो भी आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भावना को लेकर चलते हुए आपको जो अवसर मिला है उसका पूरा फायदा उठाइए, और भविष्य में आपको बहुत सारी ऐसे ही अवसर मिलेंगे, उसका हर एक अवसर का आप लाभ उठाइए, और जो भी आप काम करते हैं उसको पूरे मन से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, और आपको जो अपनी जो भी अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसको आप सामने उभारिए, और जो भी आपको जो सीख दी जाती है, जो भी स्कूल में जो सीख दी जाती है उसको आप लागू कीजिए अपने जीवन पे, और भविष्य में आपके आपके लिए हम सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आयुष फाउंडेशन को हमारी स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं, एवं नव वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चे लोग, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आयुष फाउंडेशन की तरफ से किया है, एक छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के ड्राइंग की कला को उभारने का। आगे भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए करते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत ही जोश के साथ इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया। कुछ बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही उम्दा बनाया, इसलिए हम लोगों ने उन लोगों को फर्स्ट सेकेंड दिया है। बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मायने नहीं रखता है बच्चों, मायने रखता है कि आप इस ड्राइंग कंपटीशन में आए और पार्टिसिपेट करें, और जो भी आपकी समझ है, जो भी आपकी ड्राइंग के प्रति आपकी प्रतिभा है, आप उसको पेपर पे बनाने की कोशिश करें। इससे आपके अंदर
एक कलाकार का विकास होगा जो आपकी पढ़ाई में भी आपके सर्वांगीण विकास में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आगे इस तरह का कोई भी कंपटीशन होता है बच्चे तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी बच्चे आपके मित्रगण नहीं आए हैं आप कोशिश करेंगे उन सबको इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा होगा, और एक बार जोरदार तालियों से अपना ही स्वागत करिए। अब मैं आयुष फाउंडेशन की अर्पिता मैम हमारी सचिव को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और दो शब्द रखे और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। अर्पिता मैम, यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ये पूजा जी आइए प्लीज, ये मेरी फ्रेंड है, इनसे ही कोऑर्डिनेट कराया था मैंने, बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इवेंट प्लान कर रहे हैं, होपफुली बहुत मजा आएगा हमको यहाँ पे, और बाकी सारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, विद्यालय का बहुत सहयोग रहा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक्स टू अर्पिता मैम, इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त दिया हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों को इनकरेज किया, और बहुत इस कोरोना काल में तो कोई इवेंट हो नहीं रहा था, बहुत दिनों के बाद बच्चों के बीच कोई इवेंट इनके सहयोग से ऑर्गेनाइज किया गया, और बच्चे भी बहुत ज्यादा उत्साहित हुए इनके इसके लिए। अर्पिता मैम को बिग थैंक्स हम लोग पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। हिप 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 हिप। हे गाइस, बहुत ही जबरदस्त और भव्य प्रोग्राम हुआ है, मजा आ गया आज ये प्रोग्राम करके, और इस तरह का अगर प्रोग्राम हमेशा होता रहा ना तब तो धनबाद में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। बच्चों में जो क्रिएटिविटी था वो बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जिसका क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा था उन लोगों को कुछ ना कुछ मिला है, जो कि यहाँ पर सामने देख रहे हैं इन लोगों का क्रिएटिविटी है, इन लोगों का एक उत्सुकता था जो कि अच्छा काम किए हैं, और इसी तरह से अगर काम करते रहें तो और भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। पीछे जितने भी बच्चे खड़े हैं सबको सर्टिफिकेट मिला है, उन लोगों में भी क्रिएटिविटी है, बस थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए जिससे कि हमारा धनबाद में और हमारा ये जो हमारा मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल भी और आगे बढ़े। तो गाइज, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा धनबाद में, और होना चाहिए झारखंड का लेवल में भी कि हाँ यहाँ के इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के टीचर हैं जो कि मदद कर रहे हैं हमारे इस तरह का प्रोग्राम में। तो थैंक यू सभी कोई को।